सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कभी भी यदि जीवन में किसी संत के सामने बैठने का सुख मिले तो उसके सामने अपने मन की सारी व्यथा जरूर व्यक्त कर देना चाहिए, क्योंकि संत परोपकारी होता है। लेकिन आज एक और विडंबना है, कैसे पता लगे कि कौन संत है कौन असंत। काल ने भी तो संत बना था, रावण भी तो संत बना था, उसके पहचान का एक साधारण सा लक्षण है। संत के परिचय का लक्षण अगर वास्तविक संत होगा, परमात्मा का परम सेवक होगा, ठाकुर जी का दासत्व भाव निरंतर रखता होगा, तो उसका स्वभाव, उसका रहन सहन, उसकी बोली बाणी, उसका आचार विचार, उसका खान पान, यह सब अपने आप झलक जाता है। बनावटी स्वभाव तो थोड़े समय के लिए होता है, हम बाहरी मेकअप करेंगे और दो घंटे बाद मेकअप को उतरना ही उतरना, लेकिन जो अंतर आत्मा में आलादित हो गया, समाहित हो गया, उससे ओतपोत हो गया, वो तो इस धरा में उतरने वाला ही नहीं है।